दिस इज मी शालिनी, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग कॉर्नर विद शालिनी। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ मीशो से परचेज किए हुए कुछ सुंदर सुंदर 3 से 4 टॉप का रिव्यू, जो कि बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली है। अंडर 300 में मैंने इन सभी को पिक किया है। सो इन केस अगर आज के रिव्यू में से आपको कोई भी टॉप पसंद आता है, आप उसको परचेज करना चाहते हो, तो उन सभी का कोड मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिंपली आपको कोड लेना है, मीशो पे सर्च करना है एंड आप इजिली इन्हें परचेज कर सकते हो। सो बिना देरी के करेंगे हम अपने आज के टॉप्स का। सो गाइस, मेरे पास फर्स्ट टॉप है ना, इसका कलर मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंट लगा था एंड पहनने के बाद सिर्फ आप ही आप दिखने वाले हो, इसके सिवा कोई नहीं दिखेगा। सो इसका ओरिजिनल इमेज एंड प्राइस आपको साइड में दिख जाएगा, आप वहां से कंपेयर कर लेना। काफी अफोर्डेबल प्राइस का था एंड ये ऑलमोस्ट क्रॉप टॉप ही है, नियॉन कलर का है। अभी कैमरे पे उतना खिलके इसका कलर नहीं आ रहा है, बट सामने से ये काफी ब्राइट सा है। जस्ट मिनट में कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा लाइट की वजह से फ्लैक्चुएट कर रहा है, बट कलर इसका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एंड अच्छा भी लग रहा है। मतलब कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं भी अच्छा लगेगा, बट दिखेंगे आप ही अगर आप इसको वियर करते हो। तो ये आपको स्लीवलेस टॉप मिल जाता है, यहाँ पे हल्का सा आपको कॉलर नेक का डिज़ाइन दिया हुआ है, स्टैंडिंग कॉलर है। आपको जो यहाँ स्लीव्स का एरिया प्रोवाइड किया गया है ना, वो काफ़ी डीप में दिया हुआ है एंड नीचे के साइड में आपका लेंथ काफ़ी छोटा सा आ रहा है, तो मतलब एज अ क्रॉप टॉप आप इसे वियर कर सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा कि आप अगर आप इसे स्कर्ट के साथ पेयर करते हो ना, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। सो इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किसके साथ पेयर करते हो, बट स्कर्ट एंड जींस के साथ बहुत सुंदर लगने वाला है। एंड अगर आप स्लीवलेस नहीं वियर करते हो, तो इसके ऊपर अगर आप श्रग वियर कर लोगे, तो आपका लुक और भी ज़्यादा स्मार्ट लगने लगेगा। सो ये रहा मेरा फर्स्ट वाला टॉप। मटेरियल क्वालिटी इसकी बहुत अमेजिंग है। मेरा नॉर्मल साइज स्मॉल है, बट मैंने इसमें आई थिंक एम लिया है। यस, मैंने एम ही लिया। इसमें आपको कोई टैग वगैरह नहीं मिल रहा है, बट मैंने एम साइज लिया था क्योंकि ये काफ़ी स्टिकी होते हैं स्किन पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है वैसे पसंद नहीं है, बट फिर भी ये मैंने एम लिया है ना, फिर भी ये बॉडी हगिंग टाइप का है ये बहुत ज़्यादा, तो अच्छा लग रहा है, स्मार्ट सा पीस है, बट हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। थोड़ा सा मेरा बैली बाहर आ गया है, तो उस पर ये टंग जाएगा, तो इस वजह से मैंने इसे पेयर कर लिया है स्कर्ट के साथ एंड काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा था। सो दिस इज माई फर्स्ट टॉप। अभी मूव ऑन करेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। सो गाइस, जो मैंने नेक्स्ट टॉप पिक किया है ना, वो फर्स्ट वाले थीम बेस पे ही है। ये आपको प्योर व्हाइट में मिल जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये लाइनिंग जो प्रोवाइड की गई है ब्लैक कलर की, ये ही थोड़ी सी पहले वाले से डिफरेंट है। बाकी इसका सेम पैटर्न है, फैब्रिक लेकिन अलग है दोनों का। वो थोड़ा सा कॉटन मिक्स था, ये कॉटन मिक्स नहीं है। ये टॉप वाले जो फैब्रिक आते हैं ना आजकल काफ़ी ट्रेंड में, जो फैब्रिक है वही है। स्ट्रेचेबल काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने स्मॉल लिया था तो अच्छे से फिट आ गया था। एंड इसका ये जो स्लीव्स एरिया दिया है काफ़ी डीप दिया है, तो अगर आप नहीं वियर करते हो तो आप शर्ट डाल सकते हो, अच्छा लगेगा। एंड ना आप इसको चाहो ना तो साड़ी के ऊपर भी केयर मतलब कैरी करते हो, तो काफ़ी स्मार्ट सा आपको लुक मिल जाएगा। इसका बैग बिल्कुल प्लेन है, फ्रंट इस तरीके का है, काफ़ी अच्छा सा है। इसमें कलर ऑप्शंस थे आई थिंक, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। अगर आपको ये कलर नहीं पसंद आता है, तो आप दूसरा भी कलर ट्राई कर सकते हो। सो दिस इज माई सेकेंड। अभी मूव ऑन करेंगे हम। नेक्स्ट टॉप पिक किया है ना, वो आपको बहुत ही खूबसूरत सा मल्टी कलर का टॉप मिल जाएगा एंड ये बहुत ही खूबसूरत है। प्राइस के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करेंगे ना, तो काफ़ी अच्छा आपको ये प्रोवाइड किया गया है, टॉप का लुक भी एंड मटेरियल भी। मटेरियल इसका टोटल आपको रेयन मिल जाता है, तो कंफर्टेबल भी बहुत है, स्टाइलिश भी बहुत है। यहाँ पे आपको ना कुछ ओवर नेक बना के दिया हुआ है, ये डिज़ाइन है एंड ये काफ़ी ना इसके अंदर इन्होंने आई थिंक कुछ लगा के दिया है टाइट टाइट सा, तो ये इस तरीके की लाइनिंग पूरी आपको नीचे तक आएगी। यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे के साइड में अच्छा सा फ्रिल, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे नॉट बांधने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है डोरी, बट आपको मैं शो कर देती हूँ। नीचे के साइड में बहुत अच्छा सा फ्रिल दिया गया है, उसके ऊपर इलास्टिक है, तो काफ़ी अच्छा सा आपको ग्रिपिंग मिल जाएगा एंड नीचे आपको अच्छा सा फ्लेयर मिल जाएगा। ये टॉप जिनको हल्का फुल्का बैली है ना, उनके लिए बहुत कमाल का है। कंफर्ट के साथ साथ स्टाइलिश लुक भी देगा आपको एंड आपकी बैली भी ढकी रहेगी एंड इस तरीके का पूरा प्रिंटेड टॉप आएगा। स्लिप्स जो है इसका स्मार्ट स्लिप्स आपको प्रोवाइड किया गया है एंड स्लिप्स के लास्ट में भी यहाँ पे आपको एक बॉर्डर बना के दिया गया है बेस, ताकि ये अच्छे से ग्रिपिंग रखे। फ्रंट टू बैक सेम प्रिंट में जाएगा, काफ़ी स्टाइलिश एंड काफ़ी कंफर्टेबल सा टॉप है ये एंड इसके साथ आप जींस पेयर कर सकते हो, काफ़ी कमाल का लगेगा। पीछे की साइड में आपको नॉट मिल जाता है एंड डिफरेंट लुक आपको मिलने वाला है। प्राइस बहुत कम थी, तो डेफिनेटली परचेज करने लायक है।
सो दिस इज माई नेक्स्ट स्टॉप, अभी मूव ऑन करेंगे हम. इस हॉल का मैंने लास्ट टॉप पिक किया है, वो आपको बहुत ही प्यारे से येलो कलर में मिल जाएगा. काफी स्ट्रेचेबल टॉप है, इसको भी मैंने एम साइज में पिक किया है. नॉर्मल साइज स्मॉल है बट मैंने एम पिक किया है. काफी इसका फैब्रिक के वजह से मैंने पिक किया है, काफी स्टिकी इसका फैब्रिक रहता है इसके वजह से. बिल्कुल प्लेन बेसिक्स आपको टॉप मिलेगा बट काफी स्टाइलिश आपको लुक देगा. इसकी स्लीव्स आपको फुल लेंथ जाएगी. कुछ लोग होते हैं जिनकी स्लीव्स नॉर्मल से थोड़ी सी बड़ी होती है, जिनके हैंड बड़े होते हैं, तो उनमें से मैं हूँ. मेरा हैंड जो है वो नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा बड़ा आता है बट इसका स्लीव्स मुझे भी काफी अच्छे से फिट आ रहा है, पूरे लेंथ तक जा रहा है. जस्ट लुक एट द स्लीव्स, पूरे मतलब अभी मोबाइल के कैमरे में पूरा स्लीव्स इसका आ जा रहा है. स्लीव्स के लास्ट में आपको इस तरीके का कुछ हल्का सा डिजाइनर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है. स्लीव्स इसमें थोड़ा सा ऐसे डिजाइन आएगा, वेवी डिजाइन बनाया गया है. नेक पे भी आपको बोट नेक मिलेगा, उसमें भी ये वेव आपको दिख जाएगा. सो पहनने के बाद काफी स्टाइलिश एंड काफी कंफर्टेबल सा लग रहा है. फ्रंट टू बैक सेम है. इसके अंदर आपको ढेर सारे कलर ऑप्शंस भी मिलने वाले हैं, तो अगर आपको ये नहीं पसंद आता है तो नेक्स्ट कोई अदर कलर चूज कर सकते हो, बट आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा. सो प्राइस भी काफी कम है, तो डेफिनेटली परचेज करने लायक है. सो दिस इज माई टूडेज हॉल. आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो आज का. अगर पसंद आया होगा या थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा वीडियो, तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को कर दीजिएगा लाइक, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आप सभी के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आती रहूँ. सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.